कभी सोचना तो चाहिए। चलिए आज तो 12 रबीउल अव्वल भी है, लेकिन मुसलमान के लिए तो हर दिन 12 रबीउल अव्वल। कल जब सुबह तुलू होगी और लोग कहेंगे कि आज 13 रबीउल अव्वल है, तो हम कहेंगे कि नहीं, आज भी 12 ही रबीउल अव्वल। फिर जब रबीउल अव्वल खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे कि अब रबीउस सानी है, हम कहेंगे कि नहीं, ये भी रबीउल अव्वल। तुम कहो कि रबीउस सानी है, हम कहें कि रबीउल अव्वल। तुम कहो कि जमादी उल अव्वल है, हम कहें कि नहीं, रबीउल अव्वल है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी ये तो किसी एक दिन और महीने और किसी खास वक्त के साथ मुअक्कत तो नहीं है, ये तो 24 घंटे की रहनुमाई है, ये तो 12 महीने की रहनुमाई है। बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह के मज़दाक, ये तो मुसलसल जब तक इस सरचश्मे से, इस चश्मे से सैराबी ना हो और जब तक तसलसल के साथ इस सरचश्मे से फैज इंसान हासिल ना करे, मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह के साथ कुर्ब पैदा कर सके और अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई यावरी और कोई अपने लिए मकाम पैदा कर सके। इसलिए पूरा ताइफ का वाकया, जहां दाई इल्लाह को ये बता रहा है आज के दाई इल्लाह को कि दावत के इस काम को करते हुए सबसे बेपरवाह होकर इल्लाह अल्लाह की तरफ बुला रहे हो, तो बस अल्लाह ही की परवाह करो, उसकी खुशी और नाराजगी की परवाह करो, उसी के हो रहो। और जब लोग बहुत सताएं और कभी कभी ये भी जी चाहे कि इनको भी सलावातें सुनाई जाएं, तो अपने ऊपर जब्त करके अल्लाह ही से कहो कि परवरदिगार तूने किनके हवाले मुझको कर दिया। इसलिए कि जिसने ये काम दिया, ये मिशन सुपुर्द किया है, गिला भी उसी से है, शिकवा भी अगर करना है तो उसी से है। और गिला और शिकवा क्या करना है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए, ऊंचे ऊंचे मकामात तक पहुंच और रसाई के लिए वाकयात हैं।